खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। रामगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कोहिनूर ज्वेलर्स व LIC ऑफिस स्थित हुई लूटपाट का उद्भेदन कर 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में। रामगढ़ जिले को मिली बड़ी सफलता। रामगढ़ शहर में हो रही लूटपाट की घटनाक्रम की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार रामगढ़ थाना प्रभारी रोहित कुमार के संयुक्त में SIT टीम गठित कर कोहिनूर ज्वेलर्स एवं LIC ऑफिस के सामने सड़क पर अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा ददन कुमार नामक व्यक्ति को गोली मारकर जख्मी कर उनके पास से 19,34,447 रुपए की लूट की घटना का उद्भेदन के साथ रामगढ़ दामोदर पुल के निकट कोहिनूर ज्वेलर दुकान में घुसकर कर्मचारी को हथियार का भय दिखाकर जेवरात को लूटने की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त दोनों कांडों के उद्भेदन हेतु SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम में शामिल सदस्यों के द्वारा दोनों कांडों में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अवैध पिस्टल, देसी कट्टा, चाकू एवं नगद रुपयों की बरामदगी की गई। उपरोक्त दोनों घटनाओं का मास्टरमाइंड विभास पासवान है, जो कि मूल रूप से नालंदा बिहार का रहने वाला है एवं अंतर्राज्यीय गिरोह का मुख्य सरगना भी है। पकड़ाए सभी अपराधी बिहार झारखंड राज्य के कई जिलों में हुए चर्चित लूट डकैती के कांडों में शामिल रहे हैं, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उक्त दोनों कांडों में संलिप्त रहे सभी अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद लूटे गए अन्य सामानों की बरामदगी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। खबर 365 न्यूज के लिए रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। एक महीने पहले दिनांक 11 अप्रैल को जो LIC की शाखा थी, जो रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ती है, वहाँ पर एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा लगभग 29 लाख रुपए की डकैती की गई थी। उसके बाद कुछ दिनों पहले दिनांक 8 मई को एक ज्वेलरी शॉप से भी डकैती हुई थी, जिसमें अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा इसको डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इन दोनों कांड की गंभीरता को देखते हुए एक SIT का गठन किया गया था। दोनों कांड में दो SITs थी, सेम SIT वॉज वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ SDPO रामगढ़, और उसमें थाना प्रभारी एवं अन्य सब इंस्पेक्टर्स रामगढ़ थाना के शामिल थे। तो उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए और छापामारी करते हुए हम लोग इसमें सूचनाएं एकत्रित कर रहे थे, और एक गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग को पता चला कि कुछ अज्ञात लोग फिर से एक डकैती की योजना बना रहे हैं, कोई और घटना कारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें जब रेड किया गया तो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 देसी हथियार मिला है, लाइव कार्ट्रिजेस जिंदा गोली मिली है, मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ पैसा नकद बरामद हुआ है और कुछ आभूषण बरामद हुए हैं। तो इसमें जब इन अपराधकर्मियों को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई, तो इन लोगों ने LIC वाला जो डकैती हुई थी और जो ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी, उन दोनों में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। और जहाँ तक इन 5 जो क्रिमिनल्स हैं, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात की जाए, तो ये पुराने क्रिमिनल्स हैं, हमेशा से लूट, डकैती, चोरी जैसे कांडों में संलिप्त हुए हैं, और उसमें से कुछ लोग तो जेल जा चुके हैं और कई साल जेल रह चुके हैं। पूर्व में भी रामगढ़ में 7-8 साल पहले भी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा हजारीबाग, बोकारो तथा बिहार में इन लोगों के ऊपर कई कांड दर्ज हैं। तो हम लोग पूरा आपराधिक इतिहास इनका प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग उसको भी प्राप्त कर लेंगे। और उस हिसाब से देखा जाए तो एक इंटर स्टेट गैंग है और एक बड़ी उपलब्धि है रामगढ़ पुलिस के लिए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।